नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ कि वो क्लास 10 का टॉपिक है। सॉफ्टवेयर क्लास 10। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर संबंधित जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे ठीक किया जाता है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 7 अलग अलग मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर के वीडियो हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे ठीक किया जाएगा या उसको ठीक करने का तरीका क्या है, उसको रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लैश टूल क्या चीज़ होती है। आज का जो टॉपिक है फ्लैश टूल। सबसे पहले फ्लैश टूल क्या चीज़ है, फ्लैश टूल का क्या यूज होता है और इसका मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को ठीक किया जाता है, कैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम दोस्तों फ्लैश टूल के बारे में सीखने वाले हैं। जितने भी सारे फ्लैश टूल आते हैं, जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन में यूज होते हैं, मैं आज आपको सारे फ्लैश टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से और उसका एक एक करके सिस्टम पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे फ्लैश टूल को डाउनलोड किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ये फ्लैश टूल का जो टॉपिक का वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये कई सारे पार्ट में भी मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं एक साथ सारे वीडियो का नहीं बना सकता, लेकिन एक साथ समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो मैं वन बाई वन करके आपको दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो फ्लैश टूल, हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए हम लोग फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश टूल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है, इस तरीके का रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे फ़ोन आते हैं सारे फ़ोनों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या होता है? फ्लैश टूल एक माध्यम होता है जो मोबाइल फोन में फाइल को इंस्टॉल करता है। फ्लैश टूल क्या रहता है? एक माध्यम होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में फाइल को इंस्टॉल करने का काम करता है। तो जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आएंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो फाइल डालते हैं, जो फाइल को इंस्टॉल करते हैं, वो फ्लैश टूल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में फाइल को हम इंस्टॉल करते हैं। तो फ्लैश टूल एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सभी मोबाइल फ़ोन के लिए फ्लैश टूल अलग अलग आते हैं या अलग अलग तरीके के बने हैं। फ्लैश टूल का काम क्या रहता है कि जैसे मान ली एग्जाम्पल सी बात है, आपने इंटरनेट से कोई भी गाने को डाउनलोड किया, कोई भी सॉन्ग है, म्यूजिक है, वीडियो, उसको आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने सिस्टम में रख लिया, अपने कंप्यूटर में रख लिया, लेकिन वो गाने को अगर तुमने कंप्यूटर में रख लिया तो रखे रखे थोड़ी ना बजेगा, उसको बजाने के लिए तुमको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे MX प्लेयर, BLC मीडिया प्लेयर, बोम प्लेयर, इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। उन प्लेयर में गाने को डालोगे तब प्ले करोगे तब वो गाना बजना शुरू हो जाएगा, साउंड में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, जो फाइल होती है, जो फ्लैश फाइल होती है जिसको हम लोग OS कहते हैं, स्टॉक रोम फर्मवेयर कुछ भी कहते हैं, उसको जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में रख लेते हैं। सिस्टम में रखने के बाद वो फ्लैश टूल क्या काम करता है कि मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद फाइल को उसके अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर देता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में पहले फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। जब फ़ोन कनेक्ट हो गया तो फाइल लोड हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं तो यह फाइल होती है, यह मोबाइल फ़ोन में फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में फाइल इंस्टॉलिंग का यही सिस्टम रहता है। तो फ्लैश टूल क्या काम करता है? एक मीडिएटर का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। और जितने भी सारे फ्लैश टूल आते हैं सारे गूगल पे मिल जाते हैं, बस इनको हमको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमको क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। अब हम बात करेंगे फ्लैश टूल को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इनको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे।
देखिए फ्लैश टूल को डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है, फ्लैश टूल को किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में फ्लैश टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात आती है, हम लोग बात करते हैं फ्लैश टूल कितने प्रकार के होते हैं और इनका कैसे कैसे यूज होता है। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है सैमसंग कंपनी का, किसका फ़ोन आता है सैमसंग कंपनी का, यदि सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है तो सैमसंग कंपनी के लिए हम लोग जो फ्लैश टूल इस्तेमाल करते हैं वो ओडिन नाम से आता है। ओडिन फ्लैश टूल होता है, जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए ओडिन फ्लैश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जैसे MI है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है या लावा है, टेक्नो, किसी भी कंपनी का फ़ोन आता है तो उस कंपनी को फ्लैश करने के लिए उस कंपनी का फ्लैश टूल नहीं होता, खास तौर पर उसका CPU का फ्लैश टूल आता है। जैसे मान लिया आपको क्वालिकॉम का कोई भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना है, क्योंकि जो टूल बने हैं वो CPU वाइज बने हुए हैं, तो क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहला फ्लैश टूल आता है जैसे MI फ्लैश टूल। MI फ्लैश टूल जो रहता है वो जितने भी सारे MI कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको फ्लैश करने का काम करता है। उसके बाद अगला फ्लैश टूल होता है जिसका नाम होता है QFIL। QFIL का पूरा नाम होता है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर, क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर, क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके अंदर क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर का हम लोग यूज करते हैं, QFIL टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला फ्लैश टूल आता है MSM। MSM जो फ्लैश टूल रहता है ये हमारा ओप्पो और रियलमी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ओप्पो और रियलमी, जितने भी ओप्पो रियलमी कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उसमें MSM फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये MSM फ्लैश टूल थोड़ा सा ऑनलाइन वर्क करता है। उसके बाद अगला फ्लैश टूल, जैसे आपके पास यदि आपके पास MediaTek CPU आता है, MediaTek को CPU को रिपेयर करने के लिए आपका फ्लैश टूल आता है जिसका नाम होता है SP फ्लैश टूल। SP फ्लैश टूल होता है, जितने भी MediaTek के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें SP फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके MediaTek के स्मार्टफोन, कौन से फ़ोन? स्मार्टफोन, यदि आपके पास MediaTek का कोई कीपैड फ़ोन आता है तो इसके लिए फ्लैश टूल कीपैड मोबाइल फ़ोन आता है, कीपैड मोबाइल फ़ोन के लिए फ्लैश टूल नाम से आता है, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कीपैड में छोटे MediaTek CPU होते हैं उनको फ्लैश करने के लिए। उसके बाद यदि आपके पास कोई स्पेक्ट्रम, यदि कोई स्पेक्ट्रम कंपनी का CPU होता है यानी स्पीडी CPU पाया जाता है तो स्पीडी CPU को फ्लैश करने के लिए हम लोग SPD अपग्रेडर टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? SPD अपग्रेडर टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में से SPD अपग्रेडर फ्लैश टूल, जो SPD अपग्रेडर फ्लैश टूल आता है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसके माध्यम से जितने भी SPD CPU के फ़ोन आएंगे, बेशक वो चाह रहा है तुम्हारा लावा हो, आईटेल हो, इंटेक्स हो या कोई कीपैड मोबाइल फ़ोन हो, अगर उसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है तो आप उसको SPD अपग्रेडर फ्लैश टूल से आप क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे, तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो इतने तरीके के जनरली हमारे टूल इस्तेमाल होते हैं जो मोबाइल फ़ोन में फ्लैश करने का काम करते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको जितने भी सारे टूल होते हैं इन सारे टूलों को डाउनलोड करने का तरीका सिखाता हूँ कि हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है एक कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग टूल को डाउनलोड कैसे करेंगे। टूल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपना मोजिला ओपन करना पड़ेगा, मतलब उसमें गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोल लिया, गूगल खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल गुरु में जाएंगे। मोबाइल गुरु में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे फ़ोन होते हैं सबसे पहले फ्लैश टूल में जाएंगे। ये फ्लैश टूल हमने ओपन कर लिया, ये देखिए अलग अलग फ्लैश टूल आ गया।
देखिए इतने तरह का फ्लैश टूल हैं, जैसे एचपी फ्लैश टूल, एसपीडी फ्लैश टूल, शाओमी फ्लैश टूल, ओडिन फ्लैश टूल, मीडियाटेक के लिए फ्लैश टूल, जीपीजी फ्लैश टूल, वाईजीपी फ्लैश टूल, क्यू फ्लैश टूल, बहुत सारे के फ्लैश टूल आते हैं। क्यू फिल क्वालिकॉम फ्लैश टूल, एमएसएम फ्लैश टूल, आसुस फ्लैश टूल, आरएलडीए फ्लैश टूल। तो हम लोग ज़्यादातर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं उन मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सैमसंग के लिए, ये हमारा ओडिन फ्लैश टूल। ओडिन फ्लैश टूल रहता है, जितने भी सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन आएंगे या सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको ठीक करने के लिए ये टूल जो रहता है ये खाली सैमसंग कंपनी के फ़ोन को ठीक करता है। क्या काम करता है, सैमसंग कंपनी का जितना भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हम लोग ओडिन फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फ्लैश टूल को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, ओडिन पे क्लिक किया। ओडिन पे क्लिक करते ही ये हमारे सारे अलग अलग टूल खुल गए। फिर इसमें जो भी लेटेस्ट वाला होता है उस टूल को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 4.2 MB का टूल है, देखेंगे 4.2 MB का टूल है। हम लोग 4.2 MB के टूल को क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने पर ये डाउनलोडिंग पे हम लोग लगा लेंगे इसको। ये देखो इस टूल को हम लोग क्या करेंगे, ये टूल जैसे हमारा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट हियर किया। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपका टूल खुल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे कहीं पर हमारा ओडिन नाम से फोल्डर बन के आ जाएगा। ये देखिए ओडिन को खोला, ओडिन खोलते ही हमारा टूल खुल गया। ये ब्लू कलर का जो आइकन खुल के आता है ये ओडिन का होता है, इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यस करेंगे। ये देखिए ये जैसे मेरे पास ओडिन फ्लैश टूल ओपन हो गया। अब ओडिन फ्लैश टूल के माध्यम से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका कॉम पोर्ट होता है, यहाँ पर आपको फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर BL, AP, CP चारों तरह के जो फाइलें आती हैं उनको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बस मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा टूल है, ओडिन फ्लैश टूल। अब चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी एक फ़ोन ठीक करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल टूल के बारे में आपको समझा रहा हूँ। जैसे ओडिन फ्लैश टूल, ये टूल को डाउनलोड करने का तरीका है और खोलने का तरीका है, क्योंकि जब तक टूल को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे उसको स्क्रीन पर खोल नहीं पाएंगे तब तक आप उसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। ओडिन फ्लैश टूल के बाद अगला हम बात करेंगे शाओमी फ्लैश टूल। शाओमी फ्लैश टूल जो रहता है इस तरीके से होता है, जितने भी MI कंपनी के जो क्वालिकॉम CPU को मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको फ्लैश करने के लिए शाओमी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो कोई भी वर्जन है, किसी भी वर्जन को टूल को आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। वैसे 14 वाला होता है उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, बढ़िया काम करता है। डाउनलोड किया, ये टूल हमारा डाउनलोडिंग पे लग गया है। इस टूल का साइज है 90 MB का टूल है और इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये MI फ्लैश टूल है। MI फ्लैश टूल के माध्यम से जितने भी MI कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सारे MI कंपनी के मोबाइल फ़ोन को सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी MI कंपनी के फ़ोन आते हैं उनको फ्लैश करने के लिए हम लोग MI फ्लैश टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MI फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। अगर कोई भी टूल को खोलते हो टूल खोलने पर खुलता नहीं है, वर्किंग पे नहीं होता तो समझ लीजिए टूल आपका करप्ट है या काम नहीं कर रहा है।
तो ये टूल को हम लोग डाउनलोड हो जाने देते हैं, एक दो मिनट का समय लग रहा है। इस तरीके से जितने भी सारे फ्लैश टूल आते हैं, सारे फ्लैश टूल को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन के अंदर आपको सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में रिपेयरिंग आपको सिखाया जाता है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं। एक एक करके जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे किया जाता है, रिपेयरिंग करने का टेक्निक क्या होता है, जितने भी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वो वन बाई स्टेप बाई स्टेप आपको मेथड में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। और यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते रहते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो लोग सीखते हैं, वो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, उनमें अनलॉकिंग करते हैं, उनमें फ्लैशिंग करते हैं, या उसमें मोबाइल फ़ोन में आईसी को डालते हैं, जो भी सारी एक एक करके कमी आती हैं, सारी कमियों को वो ठीक करते हैं। तो ये हमारा MI फ्लैश टूल डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको यूज करने का तरीका सीखेंगे कि इसको किस तरीके से MI फ्लैश टूल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये हमारा टूल है, हम टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल ओपन कर लिया, टूल ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, एक हमारा MI नाम से फोल्डर आ जाएगा। ये MI फ्लैश टूल नाम से फोल्डर आ गया, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद Xiaomi फ्लैश टूल को हम लोग खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सी को ओपन करेंगे, या जहाँ पर भी फाइल हमारी रखी होगी उस फाइल को क्या करेंगे, लोड करेंगे। लोड करते ही हमारी फाइल लोड हो जाएगी। फाइल लोड होने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारा फ़ोन की कनेक्टिविटी शो हो जाएगी, COM 3, COM 5, COM 9, और यहाँ पर हमारी जो फ्लैशिंग चालू होगी तो प्रोग्रेस में फ्लैशिंग आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग टूल को डाउनलोड करेंगे, फिर फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो ओडिन फ्लैश टूल आता है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, MI फ्लैश टूल आता है उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज दोस्तों मैंने आपको दो टूल के बारे में मैंने आपको डाउनलोड करके बताया हुआ है। ये सारा चीज़ आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इनको समझिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लैश टूल के बारे में बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में फ्लैश टूल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके किस तरीके से फ्लैश टूल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं या इनको डाउनलोड करने के बाद इनको यूज करने का तरीका। अभी ये SP फ्लैश टूल है, MSM फ्लैश टूल है, QFIL है, इनके बारे में SPD अपग्रेडर है, इसके बारे में मैं आपको अगला पार्ट का वीडियो दूंगा, उसमें आपको सारा चीज़ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आज की दोस्तों वीडियो में मैंने आपको फ्लैश टूल के बारे में समझाया है। वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई या क्या जानकारी मिला या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत कोई लंबे चौड़े समय का कोर्स नहीं है, मात्र आप थोड़ा सा 45 दिन या 2 महीने 3 महीने का समथिंग समय लगा करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आजकल इस कोर्स का सबसे ज़्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है,
कि आजकल ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। मोबाइल फ़ोन के अंदर छोटी छोटी खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो लोग उसको क्या करते हैं, रिपेयर करवाते हैं, ठीक कराते हैं। ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया तो मोबाइल फ़ोन को फेंक दिया जाए, भैया मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो फेंक दो। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का चीज़ फेंकता नहीं है, उसको ठीक कराता है। ठीक कराने में 100, 200, 300, 500, 1,000 रुपये कई गुना खर्चा आता है, लेकिन फिर भी उसको बनवाता रहता है। क्यों बनवाता रहता है? ताकि उसका खुद का मोबाइल फ़ोन है, पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक कराएगा और ठीक करने के बाद उसको यूज करेगा। और आजकल ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिस आदमी को मोबाइल फ़ोन की पहली पसंद ना हो या उसका डिमांड ना हो। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत चला रहे हैं, तो चलाने के साथ साथ उसको हमको सीख भी लो, जिससे आप दो पैसे कल को कमाना भी सीख जाओगे और उसका तरीका भी पता चलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए इतना हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी उसमें कमेंट करें कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही, या किस चीज़ से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं, या किसी भी चीज़ से संबंधित अगर सुझाव देना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, आपको कॉल करेगी, आपको सारा जानकारी बताएगी कि मोबाइल फ़ोन को कैसे सीखा जाता है, कितना आसान तरीके से सीखा जाता है, सीखने के दौरान क्या क्या सामान लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा लगेगा, और सीखने के बाद इसका क्या फ्यूचर है, किस तरीके से इसका बिजनेस अच्छे तरीके से किया जाता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके सर।